अभी Samsung A35 versus Samsung A34 इन दोनों ही फोन्स का आज डिटेल्ड कंपैरिजन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए आज किस कमाल के कंपैरिजन को शुरू करते हैं। तब तक के लिए आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को प्लीज शेयर जरूर कर देना। सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों की बिल्ड एंड डिजाइन की। तो यहाँ पे A35 की आपको बिल्ड एंड डिजाइन काफी प्रीमियम लगेगी। उसके तीन बड़े कारण हैं। पहला, यहाँ पे आपको A35 में ग्लास बैक दिया गया है। दूसरी चीज, यहाँ पे आपको की आइलैंड दिया गया है जो कि डिजाइन को थोड़ा सा यूनिक बनाता है। वहीं पे इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस की प्रोटेक्शन दी गई है, जिससे आपका फोन अगर ड्रॉप होगा तो जल्दी स्क्रीन टूटेगी नहीं। ये तीनों ही चीजें A34 में मिसिंग है। अब जहां तक बात रही A34 की बिल्ट इन डिजाइन की, उसमें आपको मैट डिजाइन दिया गया है, मतलब मैट फिनिश है। प्लास्टिक बैक है लेकिन मैट फिनिश है, तो थोड़ा सा कह सकते हो आप मिड रेंज का वो फोन लगता है, ना ही बहुत प्रीमियम लगता है ना ही बहुत लो क्वालिटी का लगता है। सिम ट्रे है, उसमें आपको IP रेटिंग पता चलती है और दोनों ही IP67 रेटेड है, तो आप वाटर रेजिस्टेंट भी यहाँ पे देखोगे दोनों को ही, और साथ ही में आप वाटर शॉट्स भी ले सकते हो। दोस्तों, अगर मैं कंक्लूड करूँ बिल्ड एंड डिजाइन को, तो मुझे A35 थोड़ा सा ज्यादा प्रीमियम लगा, क्योंकि मैं जो कंपैरिजन करता हूँ वो यहाँ पे गाइस लॉन्च प्राइसेस पे कंपैरिजन होता है, क्योंकि मुझे पता है कि A35 का भी जो प्राइस है वो ऑलरेडी कम हो जाएगा 7-8 महीने बाद। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो A35 ही आपको प्रीमियम बिल्ड एंड डिजाइन प्रोवाइड करेगा, साथ ही में इसमें जो ग्लास बैक दिया है वो और ज्यादा इसको अच्छा लुक प्रोवाइड करता है। अब दोस्तों, अगर दोनों के ही डिस्प्ले को अगर हम कंपेयर करें तो यहां पे आपको बहुत बड़ा डिफरेंस मिलेगा। A35 में फर्स्ट टाइम पंच होल डिस्प्ले को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, वहीं पे A34 में आपको यू शेप नॉच देखने को मिलती है। और इससे बड़ा एक और डिफरेंस है यहां पे कि A35 में आपको, अगर आप यूट्यूब पे 4K वीडियो सर्च करो तो आपको 4K HDR तक का यहां पे प्लेबैक ऑप्शन मिलेगा। इतना प्लेबैक ऑप्शन A34 में नहीं है, और ऐसा नहीं है कि दोनों की डिस्प्ले में कोई खराबी है, डिस्प्ले क्वालिटी दोनों की सेम है, मतलब डिस्प्ले का जो टाइप रखा गया है वो दोनों का ही सेम है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले, लेकिन यहाँ पे ये काम प्रोसेसर की वजह से ऐसा हो रहा है। तो अच्छी बात है कि A35 आपको 4K HDR तक का कंटेंट प्रोवाइड कराता है। बाकी दोनों में ही आपको 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है और यहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि A35 में आपको यहाँ पे 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलता है, लेकिन वो अडेप्टिव है, तो 60-120 हर्ट्ज ये चेंज होता रहेगा। ये तीन चीजें हैं वो A34 में मिसिंग है। तो यहाँ पे भी अगर मैं मल्टीमीडिया कंजम्पशन को एंजॉय करने की बात कहूँ तो यहाँ पे A34 से बेटर मुझे A35 यहाँ पे लगा। साथ ही में पंच होल डिजाइन है A35 में, तो ये देखने में भी थोड़ा ज्यादा बेटर लगता है यू शेप नॉच से, और कोई भी नॉच हो, चाहे वी शेप हो या यू शेप हो, नॉच हो, पंच होल के सामने वो कम ही यहाँ पे फील होता है। अब जरा दोस्तों आ जाते हैं परफॉर्मेंस के ऊपर। तो A35 में देखो एक्सिनोस 1380 दिया गया है, ये सेम प्रोसेसर A54 में था लास्ट ईयर। A34 की बात करें तो इसमें MediaTek Dimensity 1080 मिलता है। दोनों ही प्रोसेसर जो हैं ये अच्छी परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड कराते हैं यहाँ पे। वहीं पे A35 ये जो है इसमें आपको 2.4 GHz की मैक्स क्लॉक स्पीड है, वहीं A34 जो है Dimensity 1080 के साथ उसमें आपको 2.6 GHz की क्लॉक स्पीड मिलती है। एंड्रॉइड स्कोर की बात करें तो A34 का देखो आपको यहाँ पे 5,30,000-20,000 के अराउंड में मिलेगा, वहीं पे A35 का देखते हो तो आपको 5,70,000 से 5,90,000 के बीच में मिलेगा। ऑन पेपर भी देखते हो तो Exynos 1380 जो यहाँ पे A35 में दिया गया है ये बेटर है Dimensity 1080 से। और सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पे GPU स्कोर्स में निकल के आता है। GPU तब काम आता है जब आप यहाँ पे हैवी एडिटिंग कर रहे हो, या फिर मान लो फोटोशॉप कर रहे हो, या फिर आप गेम्स खेल रहे हो, तब GPU यहाँ पे काम आता है। तो यहाँ पे रियल टाइम एक्सपीरियंस में भी आपको ये फील होगा जब आप A35 को यूज़ करोगे तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पे लैग नहीं महसूस होता है। आप इसमें चाहे अनलिमिटेड ऐप्स ओपन कर लो, मैंने इसमें देखो कितने सारे ऐप्स ओपन करे, फिर भी एक के बाद एक ऐप रिसेंट ऐप में बहुत ईजिली ओपन हो रहा है। साथ ही में A34 की भी परफॉर्मेंस कोई ख़राब नहीं है, प्राइस के हिसाब से उसकी भी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा जस्टिफाइबल है और आपको अच्छी परफॉर्मेंस उसमें भी देखने को मिलेगी। तो अगर मैं परफॉर्मेंस को कंक्लूड करूँ तो अभी करंट के प्राइस के हिसाब से A34 भी अपनी जगह ठीक है और A35 भी थोड़ा ठीक है, जस्ट अपनी ये हीटिंग को कंट्रोल कर ले अगर सॉफ्टवेयर अपडेट्स के जरिए तो और ज़्यादा बेटर हो जाएगा। अब जरा दोनों के ही कैमरा डिपार्टमेंट के बारे में बात करें तो A35 में आपको यहाँ पे 50 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल का सेटअप दिया है, वहीं A34 में 48, 8 और 5 मेगापिक्सल का सेटअप दिया है। फ्रंट में आपको 13 मेगापिक्सल के ही दोनों में कैमरे दिए गए हैं। इंटरनल फीचर्स की बात करते हैं तो हू बहू दोनों में ही फीचर सेम है।
4K वीडियो रिकॉर्डिंग आपको दोनों में ही मिलती है फ्रंट और बैक में, साथ ही में OIS का भी सपोर्ट मिलता है। इंटरनल फीचर्स को देखते हो तो प्रो वीडियो, स्लो मोशन, हाइपरलैप्स, मतलब जितने फीचर्स हैं दोनों में ही एकदम सेम है। साथ ही में कैमरा सैंपल्स को देखते हो तो दोनों के ही कैमरा सैंपल्स एकदम सेम निकल के आते हैं, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगेगा आपको। साथ ही में अगर आप यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग भी करते हो तो आपको OIS का स्टेबलाइजेशन मिलता है, तो उसके हिसाब से भी क्वालिटी दोनों में ही सेम निकल के आती है। तो मेरे हिसाब से 19-20 का डिफरेंस है इन दोनों के ही कैमरा में। जस्ट अगर A35 की भी प्राइस हो सकता हो 5-6 महीने में कम हो जाए तो दोनों एकदम इक्वल स्टैंड करेंगे। अब जरा दोस्तों दोनों की ही बैटरी कंपैरिजन की बात करें तो यहाँ पे देखो 5000mAh की बैटरी दोनों में ही दी गई है, दोनों ही 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। बैटरी बैकअप की बात करें तो A35 थोड़ा सा बेटर बैटरी बैकअप दे रहा है आपको इन कंपैरिजन टू A34। उसका रीजन है यहाँ पे एक्सिनोस का प्रोसेसर। देखिए एक्सिनोस का प्रोसेसर बैटरी के डिपार्टमेंट में कभी भी धोखा नहीं देता है, ये हीट जरूर कर जाता है जब आप इसमें हैवी टास्क करते हो, बट वहीं पे मीडियाटेक के प्रोसेसर को देखते हो A34 में तो वहां पे आपको परफॉर्मेंस मिलती है तो उस हिसाब से हीटिंग नहीं मिलेगी, लेकिन बैटरी ड्रेन हो जाता है। तो अगर कहीं हीटिंग हो रही है तो बैटरी ड्रेन कम होगा, जहां हीटिंग नहीं हो रही है तो बैटरी ड्रेन ज़्यादा होगा। तो दोनों ही ऑलमोस्ट इक्वल स्टैंड करते हैं हीटिंग और बैटरी को अगर आप देखते हो, लेकिन अगर सिर्फ बैटरी बैकअप देखना है तो A34 अभी करंट टाइम पे बेटर जा रहा है। अब दोस्तों अगर सॉफ्टवेयर अपडेट्स की बात करते हैं यहाँ पे तो देखो A34 एक साल पुराना फोन है और अब इसमें सिर्फ 3 OS अपडेट्स बचे हैं। वहीं A35 को देखते हो तो ये एंड्रॉइड 18 तक के OS अपडेट अभी इसकी कैपेसिटी है, तो यहाँ पे A35 लेना एक तरीके से बेटर है अगर आप बहुत लंबे टाइम तक फोन चलाना चाह रहे हो। बट A34 भी कोई ख़राब नहीं है क्योंकि 3 साल भी बहुत होता है यहाँ पे अपडेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही में इंटरनल फीचर्स को देखते हो तो दोनों में ही ऑलमोस्ट सेम फीचर्स हैं, 99.9% फीचर्स सेम हैं। 0.1% में दो ऐसे फीचर आते हैं जो A35 में हैं। पहला फीचर है यहाँ पे बैटरी प्रोटेक्शन, जो One UI 6.1 का फीचर है, ये जब A34 में One UI 6.1 आएगा तो उसमें आ जाएगा ये फीचर। दूसरा फीचर की बात करें तो आपको जो स्मार्ट हॉटस्पॉट देखने को मिलता है वो इसमें है, वो उसमें भी नहीं। तो देखा जाए प्रैक्टिकली 6.1 के फीचर्स है One UI 6.1 के, जब A34 में One UI 6.1 आएगा तो दोनों के ही फीचर इक्वल हो जाएंगे। बाकी एक आधा एडिशनल फीचर आपको A35 में मिलता है, लाइक बिग्सबी टेक्स्ट कॉल मिल जाता है आपको, बस इसके अलावा ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है फीचर पॉइंट ऑफ व्यू से। दोनों की अगर स्पीकर्स की बात करें तो बढ़िया आपको ऑडियो क्वालिटी यहाँ पे देखने को मिलेगी क्योंकि दोनों ही स्टीरियो स्पीकर के साथ आते हैं। साथ ही में अगर आप यहाँ पे क्लैरिटी की बात करते हो, ट्रेबल्स और बेस की बात करते हो, तो दोनों ही ऑलमोस्ट सेम साउंड करते हैं क्योंकि स्टीरियो स्पीकर में ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे नहीं निकलता। अब जरा नेटवर्क स्पीड की बात करें तो दोनों ही में ही आपको अच्छी नेटवर्क स्पीड यहाँ पे देखने को मिलती है, कोई भी यहाँ बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस आपको नोटिस नहीं होगा। दोनों में ही 5G के इक्वल बैंड्स मिलते हैं, 5G VNR का सपोर्ट है। ओकला पे टेस्ट करते हो तो बढ़िया आपके जितनी डेटा पैक होगा उस हिसाब से स्पीड मिलने वाली है मैक्स टू मैक्स। मैंने 1 GBPS तक की स्पीड टेस्ट करी है यहाँ पे ऑन 5G नेटवर्क। अब दोस्तों जरा मैं फाइनल कंक्लूजन पे आता हूँ, तो यहाँ पे देखो A35 आपको मिल रहा है अभी करंट में 31,000 रुपये में, और यहाँ पे A34 देखते हो तो आपको मिल रहा है वो 24,500 रुपये में। अब देखिए कमाल की बात ये है कि A34 जब लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था तो वो भी सेम प्राइस पे लॉन्च हुआ था जिस पे A35 लॉन्च हुआ है, लेकिन जब आप दोनों पे ही यहाँ पे डिफरेंसेस देखते हो, लाइक बिल्ड एंड डिज़ाइन, डिस्प्ले में 4K कंटेंट दिखाना, साथ ही में परफॉर्मेंस इतनी अच्छी देना, वहीं पे बैटरी और कैमरा को भी एक साथ देखते हो, तो आपको लगेगा कि A35 अभी भी बेटर है, कोई इसको बहुत ओवर एक्सपेंसिव नहीं रखा है जितना A55 को इन लोगों ने किया है ओवर एक्सपेंसिव। तो अगर आपका यहाँ पे बजट जा रहा हो 31-32,000 रुपये तक और आपको A सीरीज़ के फ़ोन लेने का मन है तो आप डेफिनेटली A35 कंसिडर कर सकते हो। एक तो लेटेस्ट है तो आपको नए नए अपडेट्स भी टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। वहीं पे अगर आपका बजट 25,000 रुपये के अराउंड है तो आप A34 के साथ आज भी जा सकते हो क्योंकि वो फ़ोन बहुत अच्छा फ़ोन है, आपको उसमें कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं लगने वाली है। अब अगर आप यहाँ पे 6 महीने जैसे वेट करते हो, लाइक BBD सेल जो आती है दिवाली के टाइम पे, तब आपको A35 में भी लगभग 2,000-1,500 रुपये 2,500 का प्राइस ड्रॉप मिल सकता है, तो ये भी आफ्टर बैंक डिस्काउंट 25-26,000 में आ जाएगा दिवाली के टाइम पे। तो आई होप गाइज आपको ये कंपैरिजन पसंद आया होगा। बाकी आपके कुछ भी अब सवाल हो तो प्लीज़ आप कमेंट में जरूर पूछिएगा, मैं जल्दी से रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। बाकी आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ। चलिए आप लोग नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।